नमस्कार, मी शेख आया, माझं महाराष्ट्र न्यूज लाईव्हमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण देगलूर या ठिकाणी आलेले आहे. अवदीन रफाई या दर्गाची जागेवर अनेक भूमाफियांची नजर आहेत. अनेक भूमाफियांनी या ठिकाणी विक्रीचा सुद्धा काम केलेलं आहेत आणि हा जमीन विक्री सुद्धा हा भूमाफियांनी केलेल्या ह्या विरोधात शेख सैलानी बाबू मियाँ हा 21 दिवसापासून आमरण उपोषणासाठी बसलेले आहेत. त्यांची आज अवस्था अत्यंत खराब आहेत. यासाठी आपण उपरुग्णालय देगलूर या ठिकाणी आलेले, या ठिकाणी आपण पाहू शकतात 21 दिवसापासून आमरण उपोषण बसल्यानंतरही कोणीही लोकप्रतिनिधी व प्रशासन त्यांना विचारण्यासाठी आलं नाही. अशोक चव्हाणांनी सुद्धा पोटनिवडणूक असताना सांगितलं होतं की भूमाफियांवर व जमीन देवस्थानची वक्फ की जमीन हा हडप करण्याचा कोणालाही आम्ही प्रयत्न करू देणार नाही. जर कोणी केलं त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल. सबसे बड़ा मसला ये है, ईदगाह उस पर कब्जा हो रहा है. वक्फ बोर्ड की जगह है ईदगाह, दरगाह की जगह हो या वक्फ बोर्ड की जगह हो, पूरी सुरक्षित रहेगी. लैंड रिकॉर्ड देखा जाएगा और लैंड रिकॉर्ड के जो भी है उसके अनुसार, चाहे वक्फ बोर्ड की हो या ईदगाह की हो, उसके ऊपर किसी को अतिक्रमण हम नहीं होने देंगे, ये पूरा ख्याल रखेंगे. इसके अंदर कांग्रेस है, सीधा ओपन कर रहा हूँ बात. कांग्रेस के लोग हैं इसके अंदर, मिले हुए लोग हैं. जहाँ पर मदनूर नाका बोलते वहाँ पर अभी इस टाइम पे दरगाह के ज़मीन पे गुंडे लाके लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं. अभी वहाँ पर 15 से 20 गुंडे बैठे वाले. परंतु हा कायदेशीर कारवाई आत्तापर्यंत झाली नाही. ज्या लोकांवर कारवाई झालेली आहे ते निर्दोष आहे असंही बोलले जात आहे. आपल्यासोबत सैलानी आहेत, त्यांचे आज ह्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की हा कशा पद्धतीने त्यांचा ऑपरेशन सुरू आहे, त्यांना कोणी विचारण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आमदार किंवा आले का नाही, किंवा हे ऑपरेशन कधी सुरू झालेलं आहे, अजून किती दिवसापर्यंत राहणार, काय कारण होतं, आणि ह्या जमीन किती, एकूण जमीन किती होती, आणि हे कशा पद्धतीने ह्या जमिनीचा व्यवहार विक्री सुरू झाली, खरेदी विक्री हा कोण केली, आपला हा उद्देश काय होता हे अमरण उपोषण बसण्याचा. याच्यामध्ये कसं आहे, जे जमीन आहे वक्फ बोर्डाची जमीन आहे, जिवादीन रफाई दर्गाची जमीन आहे, याच्यामध्ये काय केलेत भूमाफियाने, ही जमिनीवर प्लॉटिंग टाकून इकणं यांचं चालू आहे. आता बी चालू आहे, आज सुद्धा चालू आहे. कोणती ह्यांच्यावर रोग लागलेली नाही आता बी. आणखीन ह्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, काही लोक गरीब लोक बी असतील, पण त्यांच्या विरोधात नाही मी, त्यांच्यासोबतच हो मी ह्याच्यामध्ये, असं आहे. त्यांच्या विरोधात कसं काय नाही, कारण की ते गरीब लोक आहेत. हे लोक जे 20 ते 25 लाखाला एक एक प्लॉट जे एकूण खवलेले आहेत, याच्यावर कोणतीही कारवाई आजपर्यंत झाली नाही. आजपर्यंत कोणतंही तिथं थांबण्यात आलं नाही. जे वक्फ बोर्डाचं जिल्हा अधिकारी जे आला अगोदर, येऊन त्यानं काही FIR वगैरे फाडला. FIR फाडल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे 6 लोक जे आहेत ते निर्दोष आहेत, दोषी नाहीत ते, असं आहे. नजीब ते दोषी आहे त्याच्यामध्ये, असं आहे. बाकीचे लोक याच्या अगोदर आपण कोणी राजकीय पुढाकारींना किंवा वक्फ अधिकाऱ्यांना किंवा हा वक्फ बोर्डाच्या मंत्रींना सुद्धा आपण आपली भेट झाली का? मी सगळ्याला पत्र पाठवलो. आमचे नगर अध्यक्ष साहेब सुद्धा आले नाही तिथं, मोगलाजी शिष्यटॉर साहेब. आज माझी तब्येत गंभीर बिघडलेली आहे, तरी बी कोणी विचारायला तयार नाही. आज बी कोणता आमदार आला नाही, कोणता खासदार आला नाही, कोणीही आलं नाहीत आतापर्यंत, असं आहे. आणखीन यांची विक्री खरेदी कधी बंद होणार आहे, का गरिबाला काय न्याय भेटणार का नाही याच्यामध्ये. तिने अमरण उपोषण केलेले आहे, तर ह्याच्या व्यतिरिक्त जर कारवाई झाली नाही आणि आपल्याला काय झालं, तर याचं काय, जसं आपण जर मला कायवी झालं तर ह्याचं जिम्मेदार पूर्ण जबाबदारी राहील देगलूरच्या प्रशासनावर पूर्ण, आणखीन वक्फ बोर्डच्या अधिकाऱ्यांवर. नांदेड ज्याचं नाव रियाजुद्दीन आहे त्यांना याचं पूर्ण जबाबदारी त्याच्यावर राहील, आणखीन इतर पूर्ण संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील. कोण होतं हे नेमकं, कोण होतं पक्षाचं आहे की कोण आहे याच्यामध्ये कसं आहे, राजकीय दबाव चाललेले. यांना सगळ्याकडून आदेश आलेला आहे कारवाई करण्यासाठी, परंतु हे लोक जे आहे त्या आदेशाचं पालन करत नाही. हवाला कोणीच करत नाही त्याच्यावर, हवाल बजावणी कोणी करत नाही त्याच्यावर. जर कोणी हवाल बजावणी केलं तर एवढं होत नाही आत्तापर्यंत याच्यामध्ये. काय आहे, काही लोक
तर त्याच्यामध्ये राजकीय असले असले लोक आहेत आमच्या देगलूरचे लोक. कोणाकोणाचं नाव घेऊ मी सांगा मला तुम्ही, असं आहे. भरपूर लोक आहेत राजकीय लोक. हां, पालकमंत्री निवडणुकमध्ये दिलं तर आमदारच्या निवडणुकमध्ये की वक्फ बोर्ड की जमीन हो या दरगाह की जमीन हो या मस्जिद की जमीन हो, हम अतिक्रमांक होने नहीं देंगे. और अतिक्रमांक अगर हुआ तो हम उसको निकाल भी देंगे लैंड रिकॉर्ड देख के. ये हमारे अशोक राव साहब का कहना था, मगर साहब इलेक्शन में बोल के चले गए, मगर आज तक इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? क्या आप सोचे नहीं इसके बारे में? क्या ऐसे ही चलेंगे ये देगलूर के अंदर जो जगह बचे वाली है वो भी चली जाएंगी क्या हाथों से? क्योंकि हमारे देगलूर में कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है आज, और ईदगाह के लिए जगह नहीं है, मस्जिद दारुलूम के लिए जगह नहीं है. तो हम लोग कहाँ रहेंगे कल जाके? कल जो हमारे बच्चे आज से 10 साल आगे जब जाएंगे हम, तो जब हमारे को ज़मीन ही नहीं रहेंगी तो हम कहाँ पर, हमारे को कहाँ नदी में फेंकेंगे आप? क्या हमारे को जला देंगे? ये हमारे को बताओ ना आप. हाँ, मेरी कोई गरीबों से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. मेरी सिर्फ कहना यह है कि जो दरगाह की ज़मीन है वो अच्छे काम में लो. ऐसे जो गुंडे लोग आके यहाँ पर ज़मीन बेच रहे, कब्जे मार मार के बैठ रहे, जैसा कि अभी ये देशमुख होटल के पास से, ये देशमुख होटल के पास से लेके तो स्वीट फार्म तक देखो तुम, पूरा टीन शेड के पूरे अतिक्रमण किए वाले दुकान है. हर कोई बोलता कि हमारे पास वक्फ बोर्ड का किराया नामा है बोलते, मगर एक्चुअली इनके पास जब यहाँ पर जब ये जानकारी ये किए सब लोग आके कि देखना करना किए, जब चौकशी किए तो चौकशी के अंदर किसी के पास भी कुछ भी नहीं है. अगर चौकशी में किसी के पास किराया नामा होता था तो वक्फ बोर्ड के जो आयुक्त है अनिश शेख साहब, उन्होंने लेटर नहीं निकालते थे. उन्होंने लेटर निकाले कि अतिक्रमांक निकाल दो फट बोल के, तत्काल में इस पर कार्रवाई करो बोल के उन्होंने आदेश दे दिए, जिला कलेक्टर साहब को भी दिए और यहाँ के भी लोगों को, सबको दिए. मगर इसके ऊपर अमल बजौनी नहीं हो रही. सब एक दूसरे पे टाला टाली कर रहे, बस ये उसका काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, उसका काम है. और कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि हमारे को राजकीय दबाव है हमारे ऊपर, नांदेड़ से राजकीय दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ऐसा बोलना है इनका सब लोगों का. जिस तरीके से दरगाह हो या मस्जिद हो, उसमें एक देवस्थान के जगहों पर एक मुतवली रहते जो खिदमत महाज़ या मदद के लिए रहते, तो यहाँ पर कोई जीवन है क्या? मुतोली जो है मोहितुद्दीन जो खुद को मुतोली बता रहा है, मगर वो मुतोली नहीं है. वो जो मुतोली मैं हूँ मुतोली बोल के जो उसने ये काला धंधा जो चालू किया, उसने मोहितुद्दीन और उसका बहन नियारुद्दीन और जो कुछ लोग है उसके अंदर आमनुद्दीन, उनके भाई वगैरह सब है, ये रॉकेट चला रही है ज़मीन का. ये बहुत बड़ा ज़मीन का रॉकेट है. अगर से समझ लो इसके अंदर कुछ कार्रवाई हुई तो गरीबों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा. ऐसा है, ये जो बेचना करना है इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए. ये लोग काफ़ी मुसलमान है जो इतनी ज़मीन है, तो उसके लिए बाकी मुस्लिम क्यों नहीं आ रहे जो ख़ास करके आना चाहिए? इन्हों क्यों दूम पीछे है और आपको टारगेट हो जा रहे हैं और आप आए सामने, तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? जो बाकी लोग मुसलमान इसलिए नहीं आ रहे, एक तो उनके गुंडा राज चल रहा है उनका, सामने वालों का, बेचने वालों का गुंडा राज है उनका. और दूसरी बात तो ये है कि कोई तो एक 10-20% लोगों के प्लॉटा हैं वहाँ, जो वो भी लोग फंसे हुए हैं लोग. तो मेरा कहना ये है कि तुम्हारे प्लॉट कहाँ है मेरे को कोई लेना देना नहीं. आज हमारे देगलूर में कब्रिस्तान को जगह नहीं है, ईदगाह को ज़मीन नहीं है, क्या इसके लिए तुम आगे नहीं आएंगे? हाँ, क्या मेरे अकेले को ही वहाँ जाना है? तुम सबको भी जाना है ना, सबको लिए, सबके लिए है वहाँ पर. हाँ, मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीबों के विरुद्ध में नहीं हूँ. गरीब मेरे को कहीं पे भी याद करेगा, मैं गरीब के साथ ठहरूँगा. ऐसा है, गरीबों का इसके अंदर नुकसान नहीं है. अगर गरीब बोलते होंगे कि मेरा नुकसान है, तो आपको जो प्लॉटिंग बेचा उसके पास जाओ आप, कि जब तेरी जगह नहीं है ये, तो तूने बेचा कैसे ये ज़मीन, ये बोलना चाहिए गरीब लोग. ऐसा लगता है कि जो पिछले दिनों कार्रवाई हुई, 8 लोगों पर गुना दाखिल का जो आदेश आया और गुना दाखिल भी हुआ, तो उनमें से कोई मुख्य आरोपी नहीं है उसमें? है ना, नजीब मुख्य आरोपी है. नजीब
नजीब जो है उसी ने चालू किया था पहले तो स्टार्टिंग, उससे जो है ये लोग क्या किए, ये तीन चार भाई थे इन्होंने नजीब के, ये लोगों ने बांट लिए, इनका इन्हों प्रॉपर्टी के डिवाइड कर लिए। वो एक तो ज़मीन है दरगाह की, मगर ये लोग बोल रहे कि मेरी ज़मीन है, बोल के ये अपना अपना रॉकेट चालू कर दिए इधर, इसने 20 एकड़ लिया, उसने 30 एकड़ लिया, ऐसे लेके बांट लेके फिर हर भाई अपने अपने प्लॉटिंग डाल के। अभी फिलहाल टाइम पे जो मोहितुद्दीन जो वहाँ पर प्लॉटिंग किया हुआ है वो 52 एकड़ एकड़ में प्लॉटिंग चालू है अभी भी, जो न्यू अमरदीप के पीछे है। कोई भी अगर अगर बहरे भी आदमी को लेके जाके बता दिए तो वो भी बता देता कि ये कितने प्लॉट है इनके। अभी आपका जो है जिस तरीके से आज 21 दिन 22 दिन पूरे होने आ गए, तो आगे क्या रहेगा, कब तक बैठेंगे और प्रशासन? अभी देखो यहाँ अगर रोक नहीं होंगी तो मुझको, मैं जो है ये रोक के लिए जो करूँ, अगर इसके अंदर रोक नहीं हुई तो मुझको कल ये लोग या तो जान से मार डालेंगे इसके अंदर, नहीं बोले तो ये कुछ ना कुछ करेंगे मेरे साथ। क्यों कि ये जो मसला है 1-2 लाख का मसला नहीं है, 1-2 करोड़ का मसला नहीं है, ये कम से कम बोल तो 200 एकड़ ज़मीन ये लोग बेच के खा ली है, अभी 200 एकड़ ज़मीन बेच के खा ली है, और इसके अंदर और 37 एकड़ जो ज़मीन है और दरगाह को जो ज़मीन है 300 एकड़ के ऊपर ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन दरगाह के सात बारे में से गायब है, तो वो अभी आना चालू है उसका रिटर्न में, 100 एकड़ ज़मीन आ रही है अभी। मैंने जैसा तहसीलदार साहब को बात किया, मैंने कुछ सात बारे दिया, उसके अंदर नामा लगे वाले इतर में, तो वो नामा कैंसिल होकर दरगाह के नाम पर ज़मीन आई हुई है अभी। अतिक्रमण जब तक नहीं हटा, अभी भी काम शुरू है ऐसा बोले जा रहा, तो जब तक अतिक्रमण नहीं हटा जब तक आप ऐसी, हाँ मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा इसके लिए, ऐसा है आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा इसके अंदर। मैं मेरा कहना एक है, कम से कम खबरस्तान ईदगाह को अगर ज़मीन चाहिए तो मुसलमान घर के बाहर आना चाहिए, अगर नहीं चाहिए, तुम्हारे में अगर ज़मीर जिंदा नहीं है, अगर तुम मुर्दे हो गए तो मैं भी तुमको नहीं जगाऊंगा, मैं भी तुमको नहीं जगाऊंगा। अगर तुमको तुम में थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो तुम जगो और साफ सामने आओ, क्योंकि यहाँ मसला खबरस्तान ईदगाह का चल रहा है अभी, ये ज़मीन नहीं है अपने को, ये लोग अगर तुम आज रोडों पर नहीं आएंगे तो ये सारी ज़मीन बेच के खा लेंगे, कुछ नहीं बचेंगे देगलूर के मुसलमानों के लिए। और क्या वजह से बैठे आप? आज उपोषण का 22वां दिवस है, दिन है 22वां दिन है, आज तक कौन से प्रशासन कोई भी आके मिला नहीं, 22 दिन हो गए आज हम आपको। क्या मसला था, बैठने का कारण क्या था? दरगाह की ज़मीन का है, जो लोग है दरगाह के लोग है, जो लोग बोलते वो बेच के खा रहे ज़मीन जगह, उसके लिए बैठे आले। अतिक्रमण करके बैठे आले, टीन शेड वो मारे आले, वहीं के लोग है दरगाह के लोग। बेचने वाला मेन कौन है, मुख्य मेन है 7-8 जन है, वो लोग बेच रहे। तो आज 22 दिन होने के बाद ऐसा तुमको क्या लगता है कि भाई इस पर कार्रवाई नहीं होगी, और आज सैलानी भाई की तबीयत भी खराब हुई और आप अमरन ऑपरेशन में बैठे आले, तो प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा इस पर? कोई आज तक तो कोई आके पूछा नहीं हमको, अभी तक तो कोई आया नहीं, अब यहाँ से देखेंगे क्या होता। तो तुम्हारा ऑपरेशन कब तक चलेगा? मालूम नहीं, अब जब तक आएंगे नहीं जब तक चालू रहेगा, जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा जब तक बैठेंगे। ऐसा भी हुआ कि बीच में पुलिस को आदेश दिया गया था कार्रवाई करने पर, उसके बाद भी अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए, अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था क्या? आदेश दिया था उनको, लेकिन वो अभी तक हटाए नहीं, वो बोलते इनको मालूम, वो बोलते उनको मालूम, ऐसा एक दूसरे पर ढकल रहे समझो, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो आज सैलानी भाई की तबीयत खराब हो गई और 22 दिन हो गए, और ऐसा भी लगता है क्या तुमको कि आने वाले दिनों में आपको प्रेशर आएगा, या आप पे झूठी तकरार गुना दाखिल करे जाएगा, या आपको जान से भी मारे जाएंगे, ऐसा लगता है? हाँ ऐसा तो आ रहे धमकियाँ आ रहे समझो, लोग बोल रहे आ रहे, लोग ऐसा धमकियाँ दे रहे, उठ जाओ आप, ऐसा करो वैसा करो, बिल्कुल बोल रहे समझो लोग, आपको धोखा है जान के। हाँ जान, क्या पुलिस प्रशासन से और शासन से क्या मांग करते हैं? अतिक्रमण हटा देना, मुड़ जाएंगे। इस
इसके अंदर कुछ सरकारी अफसर भी मिले हुए है क्या? ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लाइट बने गई वहाँ रोड नालियाँ रास्ते ऐसा तो लग रहा है, इसलिए तो कोई आ रहा नहीं ना हमारे पास। ऐसा कुछ है वहाँ पर शट मारेगा? हाँ पूरा हुआ, दुकान बने गए और अभी काम चालू है वहाँ पर। अब जब तक कार्रवाई नहीं होती जब तक आप बैठेंगे? हाँ जब तक बैठेंगे। या ठिकाणी आपण ऑपरेशन करता यांची मुलाखत घेतलेली आहे, आपण ऐकलेले आहे की कशा पद्धतीने इथं भूमाफियांचा गुंडाराज चालतो। या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी सुद्धा काँग्रेसचे आहे आणि नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांचं सुद्धा आपण मुलाखत घेतली होती। त्यांना सुद्धा सांगितले होते की ईदगाहची जागा असो की देवीस्थानची जागा आम्ही कोणालाही अतिक्रमण करू देणार नाही, परंतु वक्फ बोर्डांच्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा निवेदन दिलेली तक्रार दिलेली आहे। त्यांनी ह्या तक्रारवरून 8 लोकांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे, परंतु अतिक्रमण हटवण्यात आले नाही असं दिसून येत आहे। अमरण ऑपरेशनसाठी 22 दिवस झालेले आहे। शेख सैलानी बाबू मियाँ यांची सुद्धा अवस्था नाजूक आहे आणि त्यांचा उपचार चालू आहे, त्यांची तब्येत बिघडलेली आहे, परंतु हा दखल घेणार का आणि हा भूमाफियांवर कारवाई होणार का हा पाहण्याची गरज आहे। नांदेडहून मी शेख आया, माझा महाराष्ट्र। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।